हेलो एवरीवन, अब तो जोश पूरा आ गया होगा। ई ऑप्शन बीपीएससी ने हटा दिया, इस बार तो हम एग्जाम निकाल के रहेंगे और ये जोश रहना चाहिए। लेकिन एक छोटी सी स्ट्रेटेजिकल चूक तो हो ही गई है, क्योंकि ये जोश आते आते देर हो गया। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, स्टार्टिंग में कहा था और कई बार लाइव कहा है मैंने, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन के दौरान वीडियोज बना के कई बार, और इसका प्रैक्टिकल प्रूफ ये है कि मैं 100% श्योर था। और इसीलिए क्लासेस के अंदर आप लोग को भी मैंने कई बार कहा कि ये ऑप्शन हट रहा है, टेंशन मत लो, और ये ऑप्शन हट गया, उसको हटना ही था। अब आप कहोगे 100% क्यों नहीं कहा, 100% थोड़ी ना कहा जाता है। बात आपको समझ में आनी चाहिए कि ये ऑप्शन को सिर्फ मैंने भड़वली बोला, मैंने क्या बोला, मैंने ऐसे ही नहीं बोल दिया था कि हट रहा है। एक्चुअली मैंने इसको इंप्लीमेंट भी किया टेस्ट सीरीज में, और आप सब ने देखा है जब लाइव टेस्ट की डिस्कशन करवाई जा रही थी कहीं पे ये ऑप्शन मिला भी है एक भी, तो हमारी स्टार्टिंग से ही टेस्ट ये ऑप्शन पे चल रहा है। इसका मतलब बिल्कुल श्योर थे कि ऑप्शन हटना है तो हटना है, वो हटना ही था। ऐसा कुछ नहीं था कि सिक्स सेंस मतलब कहीं से इंफॉर्मेशन बहुत स्ट्रिक्टली अंदर से आ गया था, ऐसा कुछ नहीं था, उसको हटना था। अब जहां से जो हुआ उसको हटना था, और ये हमने आपको पहले बताया। अब सवाल है कि अब जब हट गया है तो लग रहा है कि नहीं अब तो निकालना है, निकल जाएगा, ऐसा नहीं है, एग्जाम निकलेगा ही, लेकिन समय कम है ना। गलती तो थोड़ी सी हुई है कि आप लोगों ने थोड़ा सा, जिनको लगता है कि अब एग्जाम निकाला जा सकता है उसने थोड़ा सा समय तो बर्बाद किया है कहीं ना कहीं। तो अब और एक और बात समझ लीजिए, पांच क्वेश्चन अभी ई ऑप्शन पे आप खेल रहे थे ना, इस ई ऑप्शन और ई ऑप्शन से बाहर आके फिर चार पे खेलने में अंतर होगा। तो जो गेम चल रहा है क्वेश्चन का, उसमें थोड़ी तैयारी चार पे आपको करनी होगी, क्योंकि अभी तक आपका माइंडसेट ई ऑप्शन पे चल रहा था। ठीक है, अब यहां हो गया। अब सवाल है कि चलो जो हो गया सो हो गया, अब क्या एग्जाम निकालने के लिए क्या हो सकता है। देखिए, हम लोग आपके लिए टेस्ट लेके आ रहे हैं, बिल्कुल न्यू टेस्ट है, 29 अगस्त यानी कल से ही आ रहा है। कुछ ऑफर्स भी दिए जा रहे हैं, फायदा उठा लीजिए 31 तक। इसके अलावा 29 से आ रहा है, राइट। यहाँ पे हम लोग रेगुलर आपकी टेस्ट लेंगे, 31 टेस्ट है टोटल, और यहाँ पे कुछ सरप्राइज टेस्ट भी है जो उसी के दौरान आपको दिया जाएगा। कुछ क्वेश्चंस हम एक्स्ट्रा भी आपको देने वाले हैं इसमें, जो हमने ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया है, पीडीएफ के अंदर नहीं, बट वो हम आपको देंगे, ठीक है, वो उसकी संख्या अच्छी खासी है। इसके अलावा करंट अफेयर्स को लेकर जिनको भी टेंशन है भूल जाइए, 2 सितंबर को 7 बजे रात से, क्योंकि क्लासेस ऑलरेडी रन कर रही है, लेकिन करंट अफेयर्स को लेकर 7 PM से हम लोग एक क्लास लेके आ रहे हैं, बिल्कुल नया है, बिल्कुल फ्रेश है, जो भी कहीं पे जॉब वॉब कर रहे हैं उन सब के लिए क्लास सुटेबल है, वही टाइम लिया गया है जान के। तो 7 PM में आपकी क्लास करंट अफेयर्स के लिए 69 के स्टार्ट होगी। रक्षाबंधन के बाद स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उस समय थोड़ा सा तो एंगेजमेंट हो ही जाता है 2 दिन का ना, आराम से स्टार्ट करेंगे। हाँ, नोट्स आपको सारा पहले दे दिया जाएगा, इस कोर्स में जो नोट्स होगा वो आ जाएगा, और तब तक ई बुक भी हमारी आ जाएगी, तो आपको ई बुक भी मिल जाएगा। रिवीजन क्लास के बारे में अगर आप लोगों से कोई पूछना चाहता हो, तो रिवीजन क्लास हमारी ऑलरेडी रन कर रही है, सारे नोट्स पहले ही दिए जा चुके हैं, समय कम है ना, तो सारा नोट्स पहले ही हम लोग दे चुके हैं, क्लासेस ऑलरेडी रन कर रही है, वो सब कुछ चल रहा है, जल्दी ही एमसीक्यू भी अब उसके अंदर करवाएंगे। तो इस तरह से आप हमारे साथ अगले 1 महीने का सफर हमारे साथ पूरा कर सकते हैं। तो जिनको भी लगता है क्लास ज्वाइन करना है, टेस्ट ज्वाइन करना है, या करंट अफेयर्स की क्लास ज्वाइन करनी है, ऐप पे चले जाइए और वहां पे जुड़ जाइए। ध्यान रखिएगा कि जो ऐप है उसमें टेस्ट के लिए CIA टेस्ट पोर्टल पे डायरेक्ट चले जाओ ना तो ज्यादा बेहतर है, अदरवाइज हम लोग को पोर्ट करना पड़ेगा आपको वहां से, क्योंकि सारी टेस्ट CIA टेस्ट पोर्टल जो अलग से डेडिकेटेड है ना उसपे किया जाएगा, तो बेहतर है कि आप उसी पे चले जाए। और क्लासेस के लिए आप हमारे इस ऐप पे, दोनों का लिंक इस वीडियो के नीचे है, आराम से आप वहां से जुड़ सकते हैं।